आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पत्थरों के जरिए से आग जला के दिखाऊंगा। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे चाय का सामान भी है और चाय का भी टाइम हो गया है, तो मेहरदीन भाई अब आग जलाने की कोशिश करेंगे, पत्थरों से हमें आग लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के पहाड़ हैं, तो हम ये सारा आज जान मारेंगे। और लाल मोहम्मद भाई को यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वहाँ पे तलाश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम निकले हैं फिर से शायद की तलाश में। तो ये हमारा सेकंड व्लॉग है शायद की तलाश में। पहली बार हम जब आए थे तो हमें शायद नहीं मिला था। अब फिर एक बार ट्राई करने आए मेहरदीन और लाल मोहम्मद भाई को लाए हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं शायद निकालने में, तो इसलिए हम आए हैं। और ये रास्ते में एक दरबार है, तो हमने सोचा ये कब्र है तो हमारे रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ पढ़ के इसके सवाब के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इस मुसलमान को जन्नत में जगा दे। आगे जा रहे हैं, शायद की भी तलाश करेंगे और अब मैं आपको सारा इलाका भी दिखाऊंगा, पहाड़ वगैरह दिखाऊंगा, रेगिस्तान दिखाऊंगा। तो आज मेहरदीन भाई ने इरादा किया कि मैं पत्थर से आग जला के आप लोगों को, व्यूवर्स को वो भी दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह आज हमारी वीडियो ज़बरदस्त होगी। दोस्तों यहाँ पे आप पहाड़ों का व्यू देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं, हमने दूध वगैरह भी लिया है और चाय भी बनाएंगे और यहाँ पे शायद भी ढूंढेंगे, शायद हमें मिल जाए, नहीं तो फिर भी घूम रहे हैं और आप लोगों को इलाके का व्यू दिखा रहे हैं। और हमें अगर बैर मिले, पके हुए तो हैं, बैर भी खाएंगे आज। ये भाई बलोचिस्तान डेरा बुक्ति के खूबसूरत पहाड़, ये सुई एरिया में आते हैं, यहाँ से फिर पहाड़ स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के पहाड़ हैं, तो ये सारा आज जान मारेंगे। और लाल मोहम्मद भाई को यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वहाँ पे तलाश कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के आज़ादी के तकरीबन 4 साल बाद 1952 को यहाँ इन पहाड़ों में और इन रेगिस्तानों में गैस दरियाफ्त हुई है, जिसे आप लोग सुई गैस के नाम से जानते हैं। आज तक वही गैस पाकिस्तान में चल रहा है, PPL और OGDCL, SNGPL, सुई साधारण गैस कंपनियाँ, ये सारी यहाँ सुई के इलाके से गैस निकालती हैं। और 1956 में तकरीबन इस गैस को ऑल ओवर पाकिस्तान में फैला दिया गया था, बड़े बड़े शहरों में तो 1956 तक गैस आ गया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने हमसे पहले कल या परसों तक किसी ने यहाँ से शायद निकाला है। यहाँ पे आप इसका छत्ता भी देख सकते हैं ऊपर जहाँ लगा हुआ था, मैं आप लोगों को कैमरे के साथ वहाँ भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर लगा हुआ था, उसने निकाला है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका मोम है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ये अभी नरम है तकरीबन, इस पर चूंटियाँ भी लगी हुई हैं क्योंकि एक दो दिन से तकरीबन पहले इसने निकाला है यहाँ से, ये शायद है तो हमारी किस्मत पर नहीं था, ये हमसे पहले किसी ने निकाला होगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पत्थरों के जरिए से आग जला के दिखाऊंगा। और अब आप देख रहे हैं कि हमारे चाय का सामान भी है और चाय का भी टाइम हो गया है, तो मेहरदीन भाई अब आग जलाने की कोशिश करेंगे, पत्थरों से हमें आग लगा के दिखाएंगे। दोस्तों ये वो पत्थर हैं जिनसे आग जलाया जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने घास फूस रखी है क्योंकि इन पे जल्दी आग लगती है, जैसे ही चिंगारियाँ इनसे निकलेंगी इनको, इनसे पहले धुआं निकलेगा, फिर हम उनको, इनके ऊपर ये लकड़ियाँ रखेंगे और इसके बाद फिर
इस पे फूंक मारेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनसे आग जलेगी। आप लोग लाइव इंशाल्लाह ताला मेरे दिन को देख सकेंगे कि मेरे दिन यहाँ पे हमें आज पत्थरों के जरिए से आग जला के चाय बना के देंगे। दोस्तों इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तकरीबन 15-20 मिनट तक तो कम से कम लगते हैं आग जलने में। आहिस्ता आहिस्ता इसमें चिंगारियाँ पैदा होती हैं और उनमें से फिर आग जलता है। थोड़ा बहुत इसमें से धुआं आने लगा है। भाइयों धुआं आ रहा है, तो आप मेरे दिन भाई इसकी फूंक लगा रहे हैं, शायद आप ये जलना शुरू हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अब आग जलने लगा है, क्योंकि अंगारे बने हैं यहाँ पे। दोस्तों फाइनली मेरे दिन भाई ने हमें आग जला के दिया है। आप लोगों ने वीडियो देखा है, अब हमारी वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना भाई। देखिए नितिन भाई ने कितना मेहनत किया। फाइनली हमारा चाय बन रहे हैं, शुरू हो गई है माशाल्लाह। नितिन भाई जबरदस्त यार, जबरदस्त। हमारे व्यूवर्स को एक अच्छा चीज आपने सिखाया, जब इनके पास माचिस नहीं होगा तो इस तरह के काले पत्थर आपको किसी भी पहाड़ के करीब मिल जाएंगे, उनसे आप लोग इस तरह के। यहाँ पे मैं आपको झाड़ियाँ भी ज़रूर होंगी, तो आप इन झाड़ियों को जमा करें, ये इनके जो सिरे हैं इनको जमा करेंगे, तो इनको जब आपस में रगड़ेंगे पत्थरों को बहुत तेज़ी से, 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन फिर आग लाजमी जल जाता है। दोस्तों फाइनली चाय बन गई है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये। अब दोस्तों अब तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।